मेरे परिवारजनों, राजस्थान में कांग्रेस ने 5 साल में डगर डगर पर आपको विश्वासघात के सिवाय और कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने यहां आपको कुशासन वाली सरकार दी, कांग्रेस ने यहां आपको भ्रष्ट और घोटालों वाली सरकार दी, जहां सामान्य मानवी की जान सुरक्षित नहीं, जहां बहनों बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं। कांग्रेस ने राजस्थान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और कहते हैं ना कि जुबान पर दिन में एकाध बार सरस्वती आ जाती है, और जब सरस्वती आ जाती है जुबान पर, भले एक पल के लिए आ जाए, तो स्वाभाविक रूप से आपकी जुबान से सच निकल जाता है। और अभी अभी आपके यहां के जादूगर मुख्यमंत्री का ऐसा ही हुआ। यहां के मुख्यमंत्री ने खुद एक सच्चाई स्वीकार की। अभी एक जनसभा में मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने कोई काम नहीं किया। ये उनके शब्द हैं, क्योंकि वो यहां अपनी कुर्सी बचाने में ही जुटे रहे। अब ऐसा हाल जिस कांग्रेस का हो, जो अपने में ही खोए हो, वो आपके लिए क्या करेंगे? दिल्ली दरबार अपने ही सीएम की कुर्सी को लूटने में बहुत बिजी, और सीएम उनसे निपटने में बिजी। इन लोगों ने राजस्थान की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था। अब चुनाव का समय आया है तो ये लोग बेमन से साथ साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं। एक मैडम ने अपने सब परिचितों को एक दिन वाकई कार्ड छाप पर के निमंत्रण भेजा कि उन्होंने कहा कि हमारे यहां सेंचुरी का इवेंट है, शताब्दी का इवेंट है, आप सब जरूर आइए। तो सबको आश्चर्य हुआ कि भई ये इनके घर में ये सेंचुरी का इवेंट क्या है। दोस्तों, वहीं रहना पड़ेगा, कोई जगह नहीं है, आप मुझे सुन सकते हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, अगली बार मैदान बड़ा खोजेंगे। तो मैडम ने एक इनविटेशन कार्ड भेजा अपने परिचितों को कि मेरे घर में सेंचुरी का इवेंट है। तो सबको आश्चर्य हुआ, ये परिवार में क्या हुआ, ये सेंचुरी क्या चीज है? तो बड़ी कुतूहल से लोग गए और उन्होंने सबको इकट्ठा किया, अपने पति देव को भी बिठाया और बोले कि हमारे घर में आज सेंचुरी होने वाली है और आप लोगों के सबको साक्षी के लिए बुलाया है। बोले, मेरे पति देव ने अब तक 99 बार सिगरेट छोड़ी है,
और आज 100वीं बार छोड़ने वाले हैं। मतलब उन्होंने क्या हो किया होगा आपको अंदाज आ गया होगा। 100 बार सिगरेट छोड़ी मतलब एक बार भी नहीं छोड़ी। वैसा ही यहां बार बार हाथ मिलन का कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री और उनके जो दूसरे मुख्यमंत्री बनने के बेचारे इंतजार कर रहे हैं, और बड़े बड़े दिल्ली से नेता आते हैं, कैमरा वालों को खड़ा करते हैं, फिर दोनों से हाथ मिलवाते हैं। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ। दिल में खटास है, लेकिन ये लोग हाथ मिलाने का दिखावा कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि पिछले 5 साल राजस्थान में कुल मिलाकर के 5 साल में 100 सीएम थे, 100 सीएम अपने अपने क्षेत्र में हर माफिया, हर दबंग, हर दंगाई खुद को कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री से कम मानता ही नहीं था। और इसलिए ही यहां बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर अत्याचार चरम पर है। यहां नागौर में भी दलित युवाओं की कुचल कुचल कर हत्या हुई, बेटियों से गैंगरेप हुआ। हालात ये हैं कि यहां साधु संत और पुजारी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा कोई त्योहार नहीं जब राजस्थान में कर्फ्यू न लगाना पड़ा। ये सब कुछ कांग्रेस के तुष्टीकरण मॉडल की ही देन है।